प्रदेश में किसानों को यूरिया खाद की किल्लत लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर आकर जमकर नारेबाजी की और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में किसानों को मिलने वाली यूरिया खाद की हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर आकर नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी को प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि किसान के लिए यूरिया न मिले तो इससे धान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। यूरिया खाद की कमी के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से वहाँ क्षेत्रीय किसानों ग्रामीणों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि यूरिया की कालाबाजारी देखी जा रही है, जिससे कि सरकार की योजना का फायदा सीधे हमारे अन्नदाता नहीं ले पा रहे हैं। विभिन्न समितियों में किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद यूरिया न मिलने पर निराश होकर अगले दिन फिर से कतार में खड़े होकर यूरिया खाद लेने का पूरा दिन निकाल देते हैं। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की मांग करती है कि यूपी में यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकी जाए और किसानों को उनका हक दिलाया जाए। आपको संज्ञान होगा, आपके माध्यम से मैं एडीएम साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा अन्नदाता पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। पिछले एक साल से देख रहे हैं बेमौसम बरसात, बाढ़, ओलावृष्टि, अभी तक किसान की कमर सीधी नहीं हुई। ये यूरिया की ब्लैक मारी शुरू हो गई। जितनी भी सरकारी समितियां हैं सब ने दाएं बाएं दलालों को यूरिया खाद बेचनी शुरू कर दी। सबको पता है कि जब तक किसान अपने खेतों में यूरिया नहीं डालेगा तो उसकी फसल उपजाऊ नहीं होगी। अभी तीन दिन पहले जिलाधिकारी ने के माध्यम से जो उन्होंने कहा, मैं जिलाधिकारी को शस्त्र प्रणाम करता हूं। जिलाधिकारी ने कहा कि मैं जिले में किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होने दूंगा। अगर डीएम साहब आपके अंदर वाक्य में किसानों के लिए थोड़ा सा भी दर्द है तो हम आपके जो आपने बयान दिया हम आपकी बात का समर्थन करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप किसानों के लिए सोच रहे हैं। लेकिन सोचिए और उसे किसानों तक यूरिया पहुंचाइए। अगर किसानों में यूरिया नहीं पहुंचेगी, आज हम ज्ञापन दे रहे हैं और हम 7 दिन के बाद फिर हम ब्लॉक वाइज किसानों के साथ फिर हम धरना देंगे।